Hello everyone, welcome to my channel Komal Education Wing. It's me Komal Yadav. If you are new to my channel, then please like, share and subscribe. And I hope this video will help you a lot. Have a nice day. तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नया कंसेप्ट के साथ फिर उपस्थित हो गए हैं। तो दोस्तों, कौन सा है वो नया कंसेप्ट? देखिए दोस्तों, आज हम लोग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम, दैट हाउ कैन वी ड्रॉ द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छे से देखिएगा मेरे दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन ज़्यादा है, लेकिन हम लोग बहुत सिंपल तरीका से इसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन ईजी है, आप लोग देखिएगा, बहुत ईजी है, आप लोग देखते जाइए, देखिए आपको कैसे ईजी लगेगा ये चीज़। तो पूरा स्ट्रांग होकर देखिए आप लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू ड्रॉ द स्पेक्ट्रम ऑफ एफ एम। बिफोर ड्रॉइंग द स्पेक्ट्रम ऑफ एफ एम, लेट्स डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द एफएम, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन ड्रॉ डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे दोस्तों? तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, प्लीज अच्छे से देखिए, प्लीज फॉर फ्यू मिनट्स ओनली, ओके दोस्तों, 100% यू विल अंडरस्टैंड दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए दोस्तों, हेडिंग लिखे हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, एट फर्स्ट वी नो द एक्सप्रेशन थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बीटा, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स के टर्म्स में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को कौन सा एक्सप्रेशन में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो कौन सा था, देखिए ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज ई एफ एम, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू व्हाट, ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस व्हाट बीटा, दिस इज व्हाट बीटा साइन ओमेगा एम टी। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इसी को हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखिए दोस्तों कैसे एक्सपांड कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए ये दिस इज, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है हम लोगों का कॉस ए प्लस बी, देखिए यहाँ कॉस ए प्लस बी, तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी इजकल टू वाट, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस वाट साइन ए इंटू साइन बी, नो एनी डाउट दोस्तों, वही यूज कर रहे हैं यहाँ। ध्यान से देखिए दोस्तों, बी रिलैक्स एंड प्लीज यहाँ अच्छे से देखिए। तो देखिए यहाँ हम लोग ये इसी को इसी ही रख दे रहे हैं। ठीक है, ये कॉस ए ये है, ये ए है, और ये क्या है टोटल, ये बी है, दैट इज कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए क्या है ओमेगा सी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन। ठीक है, लंबा जाएगा लेकिन बहुत इजी है, तो देखते जाइए। ये हम लोग कर लिए दोस्तों, अब हम लोग क्या कर किए हैं इसमें, देखिए इसमें एक चीज है दोस्तों, यहां देखिए ये टर्म्स जो हम लोग देख रहे हैं कॉस बीटा, देखिए ये माइनस है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस है कॉस बीटा साइन ओमेगा एम टी, इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे। कौन सा मेथड से एक्सपांड करेंगे, देखिए दोस्तों, तो यहाँ एक बेसल इक्वेशन जो हम लोग मैथ में पढ़े हुए हैं, बेसल इक्वेशन का कंसेप्ट है, तो बाय अप्लाइंग द बेसल इक्वेशन कंसेप्ट हाउ कैन वी एक्सपांड दिस कॉस बीटा साइन ओमेगा टी, हम लोगों को ये टर्म्स को एक्सपांड करना है। एंड वी नो व्हाट कॉस फाई इज व्हाट इवन फंक्शन, देयर फॉर दिस कॉस बीटा साइन ओमेगा टी इज ऑल्सो व्हाट ऑल्सो इवन फंक्शन, एंड वी ऑल्सो नो दैट दिस वी नो दैट साइन इज व्हाट साइन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, साइन इज ऑड फंक्शन, देयरफॉर दिस साइन विथ एनी एंगल दैट इज बीटा साइन ओमेगा एम टी इज ऑल्सो ऑड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग एक्सपांड करेंगे, अच्छे से नोट कीजिए, हम लोग एक्सपांड करेंगे इसको, नहीं ये तो सिंपल है, ये इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे कॉस बीटा साइन ओमेगा एम टी को बाय यूजिंग बेसल इक्वेशन, और इस ये टर्म्स को हम लोग एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग बेसल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां अब हम लोग पहले एक्सपांडेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉस बीटा साइन ओमेगा एम टी को हम लोग कैसे एक्सपांड करेंगे, दिस इज इवन फंक्शन वी नो, तो लेट्स एक्सपांड दिस टर्म्स बाय यूजिंग बेसल इक्वेशन। अच्छे से देखिए दोस्तों, ये बेसल इक्वेशंस के थ्रू कौन सा फॉर्मूला से हम लोग इसको एक्सपांड कर सकेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कॉस बीटा साइन ओमेगा एम टी लिखिए, देखिए दोस्तों एक ट्रिक है, इवन फंक्शन है मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि कोफिशिएंट उसका क्या होगा दोस्तों, मतलब इवन कॉफिशियंट हम लोग रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब इवन वाला चीज बहुत आएगा, ये ध्यान से देखिए, बिकॉज दैट इज इवन फंक्शन दोस्तों, दिस इज द आइडिया टू रिमेंबर दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग इवन फंक्शन है, तो एक कॉन्स्टेंट यहाँ लिखिए जे जीरो बीटा, देखिए दोस्तों दिस इज नॉट अदर देन दी व्हाट बेसल्स कॉफिशियंट, ये सारा बेसल जो हम लोग लिख रहे हैं जे जीरो बीटा जे टू बीटा, ये सारा बेसल्स कॉफिशियंट है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग ये टर्म को बेसल्स इक्वेशन में एक्सपांड कर रहे हैं, सो हियर इज कमिंग व्हाट बेसल्स कॉफिशियंट, दैट इज दिस ऑल आर दी बेसल्स टर्म। और देखिए एक नोट,
जैसे कि ये क्या है, ये इवन फंक्शन है दोस्तों, इवन फंक्शन है। तो ये जो जे जीरो बीटा यहाँ लिख रहे हैं, जे टू बीटा, जे फोर बीटा, ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये है, ये क्या है, दैट इज बेसल्स टर्म्स, दैट इज इट इज अ बेसल्स कोफिशियंट, दैट इज वी कैन नो, वी कैन टेल दिस बेसल्स कोफिशियंट, दिस इज नॉट अदर दैन द इवन, इवन बेसल्स टर्म्स, इवन बेसल्स कोफिशियंट, बिकॉज दिस इज द कोफिशियंट इज इन द इवन फंक्शन एज इट इज रिएक्टिंग एज द coefficient in the even function, so we call this type of coefficient as the even coefficient, okay? तो confuse मत होइएगा। देखिए तो इसका formula हम लोग कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ बड़ा है लेकिन बहुत easy है, थोड़ा ध्यान दीजिए please। देखिए पहले हम लोग लिख देंगे जे जीरो बीटा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये सारा में हम लोग टू टू लिखेंगे, टू टू, देखिए सारा में टू लिखेंगे, टू इज कॉमन, ये फॉर्मूला में है हम लोगों का, ठीक है। अब देखिए, अब जेरो के बाद ये इवेंट फंक्शन है, तो जेरो के बाद फर्स्ट इवेंट नंबर क्या है, टू, तो हम लोग यहाँ लिख दिए टू बीटा, जे टू बीटा। अब देखिए कॉस ओमेगा एम टी, तो यहाँ जो लिख रहे हैं हम लोग टू, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ जो जो चीज़ लिखेंगे यहाँ दोस्तों, देखिए यहाँ अगर टू लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे कॉस टू ओमेगा एम टी, कन्फ्यूज मत होइएगा। और ये टू सारा में कॉमन रहेगा, देखिए तो अब टू के बाद कौन सा इवेंट नंबर आता है, फोर, तो यहाँ टू तो ये सेम रहेगा, ये टू सारा टू रहेगा। और देखिए यहाँ हम लोगों का टू था, तो अब दूसरा इवेंट नंबर क्या है, फोर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जे फोर बीटा। अब देखिए जो यहाँ लिखे हम लोग वही चीज़ यहाँ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों एक चीज़ हम लोग यहाँ क्या किए हैं, एक चीज़ हम लोग यहाँ मिस्टेक क्या किए हुए हैं, देखिए जैसे कि यहाँ कॉस हम लोग लिख रहे हैं कॉस बीटा का, तो ये सारा कॉस होगा, ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का कॉस है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ कॉस है, ठीक है, यहाँ कॉस है दोस्तों, जो हम लोगों का होता है वो है, यहाँ कॉस है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कॉस का निकाल रहे हैं तो कॉस ही होगा फॉर्मूला में, तो यहाँ फोर है, तो यहाँ कॉस फोर ओमेगा एम टी, ठीक है। अब देखिए इसका जेनरलाइज दैट इज जेनरलाइज टर्म्स लिखेंगे तो क्या होगा, ये टू तो सब में कॉन्स्टेंट आ रहा है, दैट इज टू, दैट इज लास्ट टर्म्स हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग लास्ट टर्म्स कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, ये टू तो सारे में कॉमन जा रहा है, तो टू, अब जे, अब देखिए ये तो इवन नंबर, तो यंथ इवन नंबर कैसे देंगे, टू, हम लोगों को मालूम है इवन नंबर हम लोग टू एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और ओड नंबर क्या, टू एन माइनस वन से, दैट इज ओड नंबर हम लोग क्या, टू एन माइनस वन से, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज अगर फर्स्ट इवेंट नंबर टू है तो सेकंड इवेंट नंबर क्या होगा, टू इंटू टू इजकल टू फोर दोस्तों, तो वैसे ही देखिए, तो इस ये तो इवेंट नंबर आ रहा है, ये टू सब में कॉमन है, तो टू लिख दिए, लास्ट टर्म हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो जे टू एन बीटा कॉस, यहाँ जो लिखेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ जो लिखेंगे यहाँ कॉस के साथ वही मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस टू एन, और ये ओमेगा एम टी सारा में कॉमन रहेगा। इतने में कोई दिक्कत है दोस्तों, कुछ दिक्कत हो ही नहीं सकता दोस्तों, आप एकदम कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ इधर देखिए दोस्तों, कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये टर्म्स को हम लोग एक्सपांड कर लिए यूजिंग बेसल इक्वेशन, सेम हम लोग ये साइन बीटा साइन ओमेगा एम टी को हम लोग एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग बेसल इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहां हम लोग लिखे हुए हैं कैसे इसको एक्सपांड करते हैं, देखिए अब ये क्या है, ऑड फंक्शन, बिकॉज वी नो साइन फाइव इज व्हाट, ओड फंक्शन दोस्तों। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ तो जे जीरो बेटा नहीं, ये इवन फंक्शन में आएगा, तो यहाँ जे वन से स्टार्ट होगा, जे वन बीटा एज हेयर इज वन, हेयर विल बी व्हाट, साइन वन, यहाँ वन है लेकिन हम लोग लिख नहीं रहे हैं क्योंकि वन से मल्टीप्लाई होगा उतना ही होगा, साइन ओमेगा यम इंटू टी, और ये टू सारा में कॉमन रहेगा जैसे ऊपर कॉमन था, जैसे कि ऊपर हम लोग सारा में कॉमन टू टू मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ जे जीरो में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ है कॉस ओमेगा यम टी है, लेकिन कॉस जीरो यहाँ है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 1 तो 1 हो जा रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए यहां यहां 1 है, तो यहां क्या है, 1 हेयर 1, ठीक है। तो अब देखिए अब ये 2 तो सारा में कॉमन रहेगा, और 1 के बाद हम लोगों का कौन सा ओड नंबर आता है दोस्तों, तो हम लोगों का 1 के बाद 3, तो यहां क्या लिखेंगे, ये 2 तो सब में कॉमन है, j 3 बीटा, यहां 3 लिखे तो ये 3 से हम लोग ये एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज sin 3 ओमेगा एम टी प्लस। अब देखिए लास्ट टर्म हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 j हम लोगों को मालूम है, वी राइट दैट इज 2n - 1, ठीक है दोस्तों। देखिए यहां we have written 2n minus 1, here will be 2n minus 1, यहाँ confused मत होइएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या है हम लोगों का, ये है हम लोगों का 2n minus 1, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2n minus 1, अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा 2n minus 1, ठीक है दोस्तों, this is n, 2n minus 1, क्योंकि हम लोगों का odd number कैसे represent करेंगे, 2n minus 1, तो last term क्या हो जाएगा, j, यहाँ odd आएगा 2n minus 1, बीटा यहाँ जो होगा, यहाँ angle में multiply कर देंगे, तो sin times 2n minus 1, omega mt, तो ये हम लोग expand कर लिए cos beta sin omega mt को by using Bessel equation, and we have also expanded this what, sin beta sin omega mt by using Bessel equation, and we got these two expression, ठीक है दोस्तों। तो इसमें confuse मत होइएगा, we
have considered this equation and as number one, and now we have found that we have found what this the value of cos beta sin omega mt and sin beta sin omega mt by using Bessel equations. Let's put these two value, that is cos beta sin omega mt, that is let's put this value and cos beta sin omega this is the same thing. Let's put this value and this value, that is cos beta sin omega mt and sin beta sin omega mt in equation 1, and let's see what we will get. We will get very interesting thing, dosto. To dekhiye yahan hum log kya gain karenge. Putting this value, that is putting the value of this and this in equation 1, we will get. Dekhiye yahan dhyan se dekhiye dosto, bada hai lekin easy, bahut easy hai, bol raha hu bahut easy. Aap acche se dekhiye. Dekhiye yahan kya hai, ec hum log, dekhiye ec to sara mein common hai dosto, sara mein common hai, usi liye hum log kya ये इसी हम लोग सारा में कॉमन ले लिए, पहले ही इसी कॉमन ले लिए. अब देखिए ये ओमेगा सीटी है, तो देखिए दोस्तों यहां हम लोग ओमेगा सीटी लिख दिए. यहां कॉस बीटा साइन ओमेगा एमटी, तो कॉस बीटा साइन ओमेगा एमटी इज इक्वल टू हम लोग इतना गेन किए हैं. तो फॉर द इजीनेस, फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ द कैलकुलेशन, लेट्स टेक ओनली द टू इनिशियल टर्म्स, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा सॉल्यूशन, मतलब कैलकुलेशन में. उसी के लिए लेट्स कंसीडर दिस टू टर्म्स. ओके, तो ये शुरू का दो टर्म हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं. तो लेट्स राइट दिस, that instead of in the place of cos beta sin omega mt, we will write what, j0 beta plus 2j2 beta cos 2 omega mt. We have written this. Okay, ab dekhiye iska kaam khatam ho gaya. To ab dekhiye minus minus sin omega ct, let's put the value of sin beta sin omega mt which we have found here. To dekhiye 2j1 beta hum log yahan mila hai, hum logo ko dekhiye dosto kahan mila hai, हम लोगों का यहां मिला है. देखिए तो यहां ये sin beta sin omega mt के जगह पर रख देंगे 2j1 beta sin omega mt plus 2j3 beta sin 3 omega mt. Let's take two first terms. ओके, पहला दो टर्म्स लीजिए, कैलकुलेशन में इजी होगा हम लोगों का. ठीक है, तो इतना हम लोग आराम से लिख दिए. अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ये ec को, ये ec और cos omega ct को जो टर्म्स है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे. ये ec तो होल में मल्टीप्लाइड है, तो ये ec और sin omega ct को होल में मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो देखिए सिंपल कैलकुलेशन. प्लीज दोस्तों, प्लीज गिव योर कंसंट्रेशन, आई विल गारंटी यू दैट दिस प्रॉब्लम विल बी अंडरस्टूड. प्लीज, तो देखिए दोस्तों यहां हम लोगों का क्या है, ईसी, तो ईसी लिख दिए. अब देखिए ये जे जेरो बीटा, तो यहां जे जेरो बीटा कांस्टेंट को एक जगह मिला दिए, बिकॉज दिस इज नॉट अदर देन द जे जेरो बीटा इज व्हाट, दिस इज नॉट अदर देन द बेसल्स कोफिशिएंट दोस्तों. बट इफ वी आर राइटिंग द बेसल्स कोफिशिएंट जे जेरो जे टू जे फोर इन द इवन फंक्शन, देन दैट इज इवन बेसल्स कोफिशिएंट. एंड इफ वी आर राइटिंग द बेसल कोफिशिएंट्स एज जे वन जे थ्री जे फाइव इन द ओड फंक्शन, देन दैट इज नॉट अदर देन द ओड बेसल्स कोफिशिएंट. ठीक है दोस्तों, तो इसमें नो एनी कंफ्यूजन दोस्तों. देखिए यहां, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये लिख दिया, फिर अगेन मल्टीप्लाई दिस ईसी एंड दिस कॉस ओमेगा सीट इनटू दिस, देन व्हाट हैपेंड, ईसी EC will multiply, that is 2 EC J 2 beta, this is the constant, cos omega CT, this cos omega CT, cos omega CT, cos 2 omega MT, you have written this. अब देखिए दोस्तों, अब ये माइनस यहां लिखा हूं, टेंशन मत लीजिएगा, ये माइनस यहां लिखा हूं. ठीक है दोस्तों, अब ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये टर्म से फिर इसमें, तो दोनों माइनस माइनस हो जाएगा. तो देखिए पहले माइनस प्लस माइनस, यहां माइनस लिख दिए, यहां क्या है 2j1, तो 2j1 देखिए 2j1, और ये ec तो सारा में कॉमन है, मल्टीप्लाइड हुआ है, तो यहां लिख दिए ec, तो क्या हो जाएगा 2ecj1 बीटा, 2ecj1 बीटा ये है sin ओमेगा ct को मल्टीप्लाई कर, sin ओमेगा ct किसको मल्टीप्लाई करेगा, sin ओमेगा mt. तो देखिए sin ओमेगा ct * sin ओमेगा mt यहां इजीली मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर ये माइनस ये प्लस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या होगा अपना माइनस प्लस माइनस. अब ये 2 है यहां 2, अब देखिए फिर ये ec भी मल्टीप्लाइड होगा, क्योंकि तो ये ओवरऑल में है, तो ये ec से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा माइनस 2ecj3 बीटा, तो j3 बीटा, क्योंकि ये j3 बीटा है, तो j3 बीटा क्या है sin ओमेगा ct into sin 3 ओमेगा mt, तो sin 3 ओमेगा mt ओवरऑल हम लोग इतना लिख लिए दोस्तों. तो देखिए ये हम लोगों अभी कैलकुलेशन प्रोसेस में है. ठीक है, तो इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, हम लोगों को कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये टर्म्स और ये टर्म्स को हम लोग बेसल्स इक्वेशंस की मदद से एक्सपांड कर रहे हैं दोस्तों, और वैल्यू रख रहे हैं. तो इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन मत होइएगा दोस्तों, इसका कैलकुलेशन में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से यहां देखते जाइए, आई विल गारंटी यू दैट देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम एंड वी विल अंडरस्टैंड वेरी नाइसली, वी विल अंडरस्टैंड वेरी नाइसली. सो प्लीज डोंट बी होपलेस, लेट्स लुक अदर पार्ट. ओके, इसका दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग यहां तक गेन कर ली है. ठीक है दोस्तों, तो यहां तक से आगे वाला हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्व करते हैं. ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर दें, ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों. एंड प्लीज कुछ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम फिर दूसरा वीडियो में ये डाउट क्लियर करेंगे. तो चलिए दोस्तों, यहां हम लोग यहां इतना इरेज कर लेते हैं, इतना पार्ट जो हम लोगों को काम नहीं है इतना हम लोग इरेज कर लेते हैं. ठीक है, तब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग.
ठीक है दोस्तों, देखिए इतना हम लोग इरेज कर लिए, ठीक है, ये भी इरेज कर ले रहे, कुछ तो स्पेस मिलेगा हम लोगों को। देखिए दोस्तों इतना हम लोग इरेज कर लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं, देखिए जहाँ जहाँ हम लोगों को देखिए यहाँ है cos a into cos b, तो वी विल पुट द फार्मूला ऑफ cos a into cos b। अब देखिए यहाँ क्या है sin a into sin b, वी विल पुट द फार्मूला ऑफ sin a into sin b, हियर इज sin a into sin b, वी विल पुट द फार्मूला ऑफ sin a into sin b। दोस्तों कुछ दिक्कत होने वाला है ही नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल डेरिवेशन है यहाँ दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ क्या करते हैं, पहले यहाँ दोस्तों एक कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत दोस्तों को, तो देखिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं सिंपली cos a into cos b को, सिंपली दोस्तों हम लोग एक चीज़ लिख लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है लिख लेते हैं हाफ। देखिए ये हाफ है दोस्तों, कन्फ्यूजन मत होइएगा, दिस इज हाफ, ओके हाफ cos a प्लस बी प्लस cos, ओके दोस्तों a माइनस बी, दिस इज द फार्मूला। अब देखिए दोस्तों, अब जैसे कि साइन a इंटू साइन b का फार्मूला भी लिख लेते हैं हम लोग, साइन a इंटू साइन b का फार्मूला क्या है, हाफ हाफ cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है दोस्तों। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला हम लोग लिख लिए। अब इसको इसी तरह एक्सपांड करते हैं, ठीक है, तो देखिए दोस्तों अच्छे से देखिए, तो इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे। देखिए तो यहाँ, तो यहाँ cos ओमेगा सी टी है, दूसरा cos नहीं है तो फार्मूला में नहीं जाएगा, ये जो है वही लिख दे रहे हैं। तो ये क्या है देखिए, इसी तो इसी लिख रहे हैं, इसी जे जीरो बीटा, दैट इज जे जीरो बीटा का जे जीरो बीटा हम लोग लिख दिए, एंड अदर इज वाज cos ओमेगा सी टी, तो हम लोग लिख दे रहे हैं cos ओमेगा सी टी, ठीक है दोस्तों, नो डाउट। अब देखिए यहाँ ये फार्मूला को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस टू इसी जे टू बीटा, ठीक है, जे टू बीटा जो यहाँ था हम लोग वही लिखिए। अब दिस इज cos a इंटू cos b, तो लेट्स ब्रेक इन द फार्मूला, देन क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है, लेट्स कंसिडर दिस एज ए एंड दिस एज b, तो क्या हो जाएगा हम लोगों को फार्मूला में, देखिए जो हो जाएगा वही फार्मूला हम लोग लिखेंगे यहाँ, ये हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा cos a प्लस बी, तो a मतलब क्या है ओमेगा सी टी, ओमेगा सी टी प्लस टू ओमेगा एम टी प्लस टू ओमेगा एम टी, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ फार्मूला लिख रहे हैं। अब क्या है प्लस cos a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा ओमेगा सी माइनस टू ओमेगा एम इंटू टी, ठीक है, तो देखिए ये आसानी तरीका से हम लोगों का ये हो गया, ठीक है, तो ये एक पार्ट हम लोगों को खत्म हो गया। देखिए तो एक पार्ट हम लोगों का आराम से खत्म हो गया। अब ये माइनस हम लोग लिखते हैं, तो ये माइनस यहाँ लिख दिए, ये क्या है देखिए टू ई सी, टू ई सी यहाँ है जे वन बीटा, तो हम लोग लिख रहे हैं जे वन बीटा, ठीक है दोस्तों, यहाँ जे वन बीटा लिख लिए। अब देखिए यहाँ क्या है साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ तो है हम लोगों का दोस्तों साइन ए इंटू साइन बी, तो लेट्स पुट द फार्मूला, फार्मूला में क्या है दोस्तों, देखिए फार्मूला में हाफ, देन वी शुड राइट हेयर हाफ, अब हाफ है फार्मूला में, हम लोग हाफ लिख दिए cos a माइनस बी, तो cos ओमेगा सी टी, ठीक है, cos ओमेगा सी टी दिस इज a माइनस व्हाट दिस इज ओमेगा एम टी, देन रेस राइट ओमेगा एम टी, तो हम लोग यहाँ ओमेगा एम टी लिख दिए। अब यहाँ क्या देखिए, देखो हम लोग ओमेगा सी टी से घटा रहे, बिकॉज वी नो द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ द व्हाट मैसेज फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ ए हम लोग ओमेगा सी टी को ही लेंगे, ठीक है, बाय द कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग ये लिख लिए, तो अब हम लोगों का फिर दूसरा क्या है देखिए, ये इस कद को देखिए दोस्तों, अलग अलग टर्म्स आ रहा है, तो अलग अलग जैसे कि टर्म्स आ रहा है हम लोग छुटिया दे रहे हैं, सो इट विल बी इजी फॉर आवर कैलकुलेशन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ हम लोग अब ये टर्म्स आ रहा है, तो ये टर्म्स को हम लोग एक दूसरा ऐसे लिख देते हैं माइनस टू, अब क्या है ई सी, तो ई सी थ्री ई सी लिखते हैं जे थ्री बीटा का जे थ्री बीटा लिख देते हैं, ठीक है, एंड व्हाट विल बी द फार्मूला, लेट्स पुट द फार्मूला हाफ, ओहो यहाँ का फार्मूला हम लोगों का बाकी रह गया, देखिए दोस्तों cos हाफ cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा cos a प्लस बी ओमेगा सी टी प्लस व्हाट ओमेगा यम इंटू टी, ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग इजीली यहाँ लिख लिए। अब देखिए ये दूसरा फार्मूला है, तो cos इसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, तो cos व्हाट cos ओमेगा सी टी, ओके माइनस देर इज थ्री ओमेगा यम टी, थ्री ओमेगा यम टी, ओके नाउ व्हाट माइनस cos व्हाट दिस इज व्हाट माइनस cos, देखिए दोस्तों और ये हाफ दिस हाफ हैज बीन मल्टीप्लाइड इन ऑल, ये हाफ हम लोगों को पूरा में मल्टीप्लाई हुआ है, सो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये हाफ जो है हम लोगों का ये पूरा में टोटल में यहाँ मल्टीप्लाइड है, तो डोंट बी कन्फ्यूज प्लीज, ये हाफ हम लोगों को टोटल में मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो आप देखिए ये इसका इसका फार्मूला क्या हो जाएगा cos दिस एंड cos व्हाट ओमेगा सी टी प्लस नाउ वी शुड राइट प्लस थ्री ओमेगा एम टी, थ्री ओमेगा एम इंटू टी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए
यहां हम लोगों को इतना हो गया, अब ये हम लोग इसको हम लोग इतना तक सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए इसी जे जीरो बीटा को जे जीरो बीटा कॉस ओमेगा सी टी प्लस ये जो था टू इसी जे टू बीटा लिख लिए, इसका हम लोग कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मूला में हाफ कॉस है वो ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, डाउट नहीं है वहाँ। अब देखिए यहाँ माइनस टू इसी जे वन बीटा इसका साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला में तोड़ दिए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इजी माइनस टू ई सी जे थ्री बीटा, तो जे थ्री बीटा ई सी है हाफ दिस इज कॉस ए इंटू साइन बी, तो लेट्स कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो नो डाउट इज हियर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको हम लोग आगे आगे सॉल्यूशन इसका करते हैं। देखिए ये सारा इक्वल टू एक ही है, ये हम लोग टर्म्स लिखे हैं फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ ध्यान से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, अब पहले क्या करते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई दिस, अब इससे इसका तो अंदर का टर्म्स ये बाहर है कांस्टेंट, तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, फिर ये है तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट विल बी देयर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, एंड वी कैन मल्टीप्लाई हेयर टू। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, देखिए ये जब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई, तो ये हाफ तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है, दिस हाफ हैज बीन मल्टीप्लाइड इन दिस बोथ टर्म्स, देन लेट्स वी कैन कॉट दिस टू एंड दिस टू इजली, ओके अगेन दिस टू एंड दिस टू इजली। ठीक है, अगेन दिस टू एंड दिस टू इजली हम लोग ये दोनों को हम लोग आराम से काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका अब आगे का सोल्यूशन क्या होगा हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ईसी का ईसी, देखिए दोस्तों अच्छे से देखिए, सिर्फ बड़ा एक्सप्रेशन है लेकिन इसका कुछ हार्ड नहीं है, ईसी जे जीरो बीटा। ठीक है, वहाँ क्या है कॉस ओमेगा सी टी, तो लेट्स राइट कॉस ओमेगा सी टी, वी हैव रिटन दिस। अब देखिए यहाँ टू टू तो कट गया, लेट्स मल्टीप्लाई दिस कॉन्स्टेंट विथ व्हाट दिस, एट फर्स्ट लेट्स मल्टीप्लाई इन दिस, देन व्हाट प्लस एंड प्लस, हेयर इज प्लस नॉट अदर देन प्लस प्लस, तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, क्या कॉन्स्टेंट है ईसी जे टू बीटा, देन हेयर विल बी व्हाट ईसी ईसी जे टू बीटा, ईसी जे टू बीटा एंड अदर थिंग व्हाट कॉस ओमेगा सी प्लस टू ओमेगा एम टी। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, एंड अगेन हेयर इज प्लस 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 व्हाट प्लस, देन व्हाट विल बी देयर, लेट्स सी दोस्तों, ई सी अगेन हेयर विल बी जे टू बीटा मल्टीप्लाइड थ्रू व्हाट कॉस ओमेगा सी माइनस टू ओमेगा एम टी, तो लेट्स राइट हेयर व्हाट, लेट्स राइट हेयर कॉस ओमेगा सी माइनस हेयर इज व्हाट टू ओमेगा एम टी, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, देखते जाइए दोस्तों। ठीक है, तो हेयर वी हैव मल्टीप्लाइड एंड वी हैव गॉट दैट टर्म्स, एंड अगेन लेट्स मल्टीप्लाई दिस टर्म विथ इनसाइड, मतलब ये टर्म्स से हम लोग ये कॉन्स्टेंट से हम लोग इनसाइड मल्टीप्लाई कर खोल देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों, माइनस एंड हेयर विल बी माइनस माइनस, देन वी विल गेट व्हाट, देखिए अब इसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देन हेयर इज द कॉन्स्टेंट ई सी जे वन बीटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, ईसी जे वन बीटा, ईसी जे वन बीटा। ठीक है दोस्तों, अब अंदर क्या है कॉस कॉस, तो कॉस लिख दिए ओमेगा सी टी, ओमेगा सी टी हम लोग ये लिख रहे हैं माइनस ओमेगा एम टी, तो माइनस ओमेगा एम टी। ठीक है दोस्तों, वी हैव रिटन दिस, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, ईसी का ई सी जे वन बीटा का जे वन बीटा। ठीक है दोस्तों, जे वन बीटा का जे वन बीटा, उसके बाद क्या है ये है कॉस, हाँ उसके बाद देखिए क्या है कॉस ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम टी, देन लेट्स राइट कॉस ओमेगा सी टी प्लस व्हाट प्लस ओमेगा एम टी, तो वी हैव रिटन दिस। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब फिर ये टर्म्स को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर खोल, देखिए एक ही एक्सप्रेशन चल रहा है, सो डोंट बी कंफ्यूज दोस्तों, थोड़ा लंबा है लेकिन प्लीज हिसाब से देखिए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, प्लीज लेट्स लुक हेयर। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों, माइनस बिकॉज माइनस प्लस व्हाट माइनस, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसी क्या हो जाएगा जे थ्री बीटा, देखिए दोस्तों जे थ्री बीटा का जे थ्री बीटा, और ये क्या है तो कॉस ओमेगा सी टी व्हाट माइनस थ्री ओमेगा एम टी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिख दिए, अब क्या है देखिए, अब क्या है दोस्तों माइनस माइनस व्हाट प्लस, तो प्लस यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ईसी जे थ्री बीटा, ईसी व्हाट जे थ्री बीटा, ईसी जे थ्री बीटा, नाउ दैट विल बी व्हाट, नाउ व्हिच टर्म्स दैट वी आर हेयर, ओके, तो यहां हो जाएगा कॉस ओमेगा सी टी प्लस थ्री ओमेगा एम टी, दैट इज हेयर विल बी कॉस ओमेगा सी टी प्लस थ्री ओमेगा यम इंटू टी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए और फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग क्या गेट कर रहे हैं, तो यहाँ अभी ये टोटल एक्सप्रेशन हम लोग गेट कर रहे हैं दोस्तों, सो डोंट बी कन्फ्यूज, ये हम लोग टोटल एक्सप्रेशन गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग आगे फिर तोड़ते हैं। ठीक है, देखिए आराम से देखिए दोस्तों, तो इसको अब हम लोग इरेज कर लेते हैं, अब देखिए इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, तो देखिए
इसको हम लोग जैसे कि ऊपर का पार्ट हो गया है तो लेट्स इरेज, ठीक है दोस्तों, ये टर्म्स बाहर हम लोग ऊपर का पार्ट इरेज कर ले, आप लोग नोट करते जाइएगा दोस्तों, ठीक है, एक एक टर्म समझते जाइएगा। तो इसको हम लोग यहाँ इरेज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं जो इसका काम अभी नहीं है हम लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये हम लोग इरेज कर लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, बेसल्स इक्वेशन का ना दोस्तों एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दोस्तों एंड वेरी इंटरटेनिंग प्रॉपर्टी दोस्तों, प्लीज़ हैव अ लुक हेयर। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, ये बेसल इक्वेशन क्या कहता है दोस्तों, देखिए नोट यहाँ देखिए, ये स्टेप में एक नोट लिख रहे हैं हम, ये नोट में क्या है, बेसल इक्वेशन बोलता है जे एन बीटा कैन बी रिटेन एज माइनस वन टू द पावर एन, ओके, जे माइनस एन बीटा, दिस इज द मैसेज विच इज शेयर्ड बाय द बेसल इक्वेशन। तो बेसल इक्वेशन ये मैसेज बोलता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम लोगों का एक काम क्या है दोस्तों, देखिए हम लोग एक काम क्या करेंगे, एक बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ है ई सी जे वन, देखिए यहाँ है हम लोगों का ई सी जे वन, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक ही रूल्स आप लोग यहाँ याद कीजिए, नोट में यहाँ देखिए कॉर्नर में मैं लिख रहा हूँ, मेरा काम क्या है, जितना बेसल इक्वेशन प्रेजेंट है, जितना बेसल्स कॉफिशियंट प्रेजेंट है, दैट इज कौन कौन सा बेसल्स कॉफिशियंट प्रेजेंट है, जे जीरो बीटा को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, तो बाकी हम लोगों को कौन कौन सा प्रेजेंट हो जाएगा, जे वन बीटा, ठीक है, जे टू बीटा एंड व्हाट, जे थ्री बीटा, ये तीन एक्सप्रेशन हम लोगों को प्रेजेंट है, ये तीन कांस्टेंट हम लोगों को प्रेजेंट है। देखिए तो जे टी बीटा इज एवन बेसल्स कॉफिशियंट, जे वन एंड जे थ्री इज ओड बेसल्स कॉफिशियंट। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना दोस्तों, हम लोग ये जे वन बीटा है ना, देन अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वी विल चेंज दैट जे वन बीटा टू जे माइनस वन बीटा, जे माइनस वन बीटा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ जे माइनस वन बीटा में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, देखिए तो यहाँ जे माइनस वन, तो देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन टू दी पावर यन, ठीक है, माइनस वन टू दी पावर यन, तो हम लोग तो वन यहाँ रख रहे हैं, देन वन रख रहे हैं, मतलब देखिए ऑड नंबर रख रहे हैं, मतलब आगे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, ऑड नंबर रख रहे हैं तो आगे क्या आ जाएगा, आगे हम लोगों का यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, आगे माइनस साइन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग यही फार्मूला में यहाँ टू रखेंगे, यहाँ टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम लोग जे टू बीटा पता लगाएंगे, ठीक है, जे टू बीटा पता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस वन टू दी पावर व्हाट टू जे माइनस टू बीटा, ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, मतलब माइनस का स्क्वायर कर रहे हैं इवेंट, तो प्लस हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, देन दिस विल बी व्हाट जे माइनस टू बीटा। मतलब हम क्या बोलने के लिए खोज रहे हैं, देखिए अगर हम लोग जे टू बीटा को जे माइनस टू बीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आगे प्लस साइन ही रहेगा, ये कंसेप्ट से, ठीक है, दैट इज जे टू बीटा वी कैन राइट एज व्हाट जे माइनस टू बीटा, आगे माइनस नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन हम लोग जे वन बीटा जे थ्री बीटा को अगर ये कंसेप्ट से यूटिलाइज करेंगे, देन देखिए यहां क्या लिखेंगे, देखिए जे वन बीटा को लिख रहे हैं तो यहां लिखेंगे जे वन बीटा, यहां क्या हो जाएगा वन, यहां क्या हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये माइनस वन टू दी पावर व्हाट माइनस, देन वी विल गेट माइनस साइन इन द फ्रंट, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। मतलब अगर हम लोग इवेन फंक्शन इवेन में कर रहे हैं, व्हेन वी आर टेकिंग द इवेन बेसल्स कॉफिशियंट देन वी आर नॉट गेटिंग दिस माइनस साइन इन द फ्रंट साइड, बट व्हेन वी आर टेकिंग द ऑड बेसल कॉफिशियंट देन वी आर गेटिंग दिस माइनस साइन, सो प्लीज मेक अ नोट हेयर दोस्तों, ठीक है। अब हम लोगों का ड्यूटी क्या है, देखिए ये जे जीरो बीटा को अभी छोड़ दीजिए, ये जे जीरो बीटा को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, जहां जहां ये जे टू बीटा है, एक देखिए यहाँ जे टू बीटा है, एक जे टू बीटा है, तो एक जे टू बीटा है तो एक दूसरा जे टू बीटा को हम लोगों को काम है जे माइनस टू बीटा में कन्वर्ट करने, इजीनेस ट्रिक देखिए दोस्तों क्या है। अब देखिए यहाँ जे वन बीटा है, हेयर इज ऑल्सो जी वन बीटा, तो वी विल कंसीडर हम लोग एक जे वन बीटा को कन्वर्ट कर देंगे क्या माइनस, मतलब जे माइनस वन बीटा में, ठीक है। अब देखिए एक है जे थ्री बीटा, मतलब एक यहां भी है जे थ्री बीटा, लेकिन हम लोग एक जे थ्री बीटा को रहने देंगे और दूसरे को कन्वर्ट कर देंगे जे माइनस थ्री बीटा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोगों के दिमाग में क्या आएगा, चलिए भाई यहां तो माइनस है यहां प्लस है, मतलब कौन सा जे वन बीटा को जे माइनस वन बीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो वो जे वन बीटा और वो जे थ्री बीटा को हम लोग कन्वर्ट करेंगे जे माइनस वन बीटा और जे माइनस थ्री बीटा में, जिसके आगे माइनस साइन है, और वो माइनस साइन को हम लोग प्लस करने के लिए दोस्तों यहां पर चेंज करेंगे। याद करिएगा लास्ट कैलकुलेशन जब हम लोग इसका करेंगे तो सारा में प्लस साइन आएगा। अब आप बोलिएगा कि भाई यहां जे टू बीटा में और जे टू बीटा में इसमें तो सारा प्लस प्लस है,
है, तो इसमें कौन सा जे टू बीटा को जे माइनस टू बीटा में कन्वर्ट करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे अरे भाई इवन फंक्शन को जब हम लोग जे टू बीटा को जे माइनस टू बीटा में जब कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ, तो क्या माइनस आगे आ रहा है? नहीं, बिकॉज दैट इज इवन बेसल्स कोएफिशिएंट, इसीलिए माइनस आगे नहीं आएगा दोस्तों। तो कन्फ्यूजन होने का कोई सवाल नहीं है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो ट्रिक हम लोग यहाँ पढ़े उसको अप्लाई करते हैं इन दिस एक्सप्रेशन, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज प्लीज लुक हेयर, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब हम लोग सेफ कंसेप्ट से आगे इसको बढ़ाते हैं, तो ये चीज तो ऐसा ही जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं, बिकॉज हियर इज जीरो, जीरो को हम लोग नहीं चलाएंगे, जीरो जे जीरो बीटा लेट्स राइट। तो हम लोगों का हो जाएगा क्या, ई सी जे जीरो बीटा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम लोग सेम यही ये चीज को हम लोग यहां लिख लिए, डेट इज ई सी जे जीरो बीटा, इसको नहीं चलाएंगे, ठीक है। और ये जे टू बीटा को सेम ऐसे ही लिख दिए, एंड लेट्स ये ऐसे ही लिख दिए, एंड लेट्स कन्वर्ट दिस जे टू बीटा इंटू जे माइनस टू बीटा। एंड हम लोग जस्ट अभी पढ़ लिए कि जे टू बीटा को जे माइनस टू बीटा में कन्वर्ट कराएंगे तो आगे का साइन वैसा ही रहेगा जो है, बिकॉज देयर विल नो बी एनी मोर साइन, हम लोग यहाँ का साइन चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस व्हाट, प्लस ई सी का ई सी जे माइनस टू बीटा, हेयर विल बी जे माइनस टू बीटा, एंड द अदर थिंग्स विल बी सेम, दैट इज व्हाट कॉस, देखिए दोस्तों कॉस ओमेगा सी, दैट इज हेयर इज, देखिए दोस्तों यहाँ हम लोगों का एक चीज है, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ ओमेगा सी टी है, देखिए यहाँ हम लोग एक चीज छोड़ रहे थे, यहाँ सारा तरफ ओमेगा सी टी है, ठीक है दोस्तों। ओमेगा सी टी हेयर इज ऑल्सो वाट ओमेगा सी टी, सो डोंट बी कन्फ्यूज, यहाँ भी हम लोगों का ओमेगा सी टी है, ठीक है दोस्तों। देखिए ओमेगा सी टी नहीं ना कहीं छूटा है, नहीं कहीं छूटा है, ठीक है दोस्तों। ओमेगा सी टी, तो ओमेगा सी टी है, तो वी विल राइट हेयर वाट ओमेगा सी टी, ओमेगा सी टी वाट माइनस टू ओमेगा एम टी, माइनस वाट टू ओमेगा एम टी, तो यहाँ लिख दिए, ठीक है दोस्तों। देखिए मतलब अब ये फर्स्ट वालों को क्या किए, ये सी जीरो बीटा ई सी जे टू बीटा ये जैसा था वैसे ही लिख दिए, कॉस ओमेगा सी, कॉस ओमेगा सी यहाँ क्या है देखिए दोस्तों, कॉस ओमेगा सी टी प्लस टू ओमेगा एम टी, टू ओमेगा एम टी प्लस ई सी, इसको वी हैव कन्वर्टेड दी जे टू बीटा इंटू जे माइनस टू बीटा, विल गेट द सेम टाइम सेम साइन, बिकॉज दिस इज व्हाट इवन बेसल्स कोएफिशिएंट, देन दिस विल बी ई सी जे माइनस टू बीटा कॉस ओमेगा सी टी माइनस टू ओमेगा एम टी, मतलब ये वाला का काम खत्म हो गया। देखिए एक ही एक्सप्रेशन है, डोंट बी कन्फ्यूज। तो अब इसके लिए हम लोग चलते हैं, तो इसका क्या है आगे माइनस, तो ये माइनस वालों के प्लस में बदलना है। अब तो वन क्या है इवन ओड फंक्शन, ओड है वन क्या है ओड है, तो वन को अगर हम लोग जे माइनस वन बोलेंगे तो यहां का माइनस आगे थप जाएगा, ठीक है। देन वन मोर माइनस साइन विल बी एडेड हियर, देन माइनस माइनस विल बी व्हाट प्लस, एंड दिस जे वन बीटा विल बी कन्वर्टेड इनटू जे माइनस वन बीटा, देन लेट्स राइट, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, देन विल राइट व्हाट प्लस ई सी जे माइनस वन बीटा माइनस जे माइनस वन बीटा, एंड दिस इज व्हाट कॉस ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा एम टी, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग ऐसे लिख लिए, अब यहाँ क्या है देखिए, ये वैसा ही लिख दे रहे हैं, तो ये जैसे ही ये वैसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा नीचा लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ है, देखिए तो यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ प्लस हो जा सॉरी ये एक ही टर्म चल रहा है, प्लस हो जाएगा ई सी जे माइनस वन बीटा, माइनस वन बीटा दिस इज व्हाट कॉस ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा एम टी, कॉस ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा एम टी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ है प्लस, ये टर्म्स को हम लोग वैसे ही लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ई सी जे वन बीटा, ई सी जे वन बीटा, एंड हेयर इज व्हाट कॉस ओमेगा सी टी प्लस व्हाट ओमेगा एम टी, प्लस कॉस ओमेगा एम टी, ठीक है दोस्तों। आप देखिए अगेन ये जे थ्री बीटा को यहाँ माइनस है, तो लेट्स कन्वर्ट दिस जे थ्री बीटा इंटू जे माइनस थ्री बीटा दोस्तों। देन व्हेन वी राइट जे माइनस थ्री बीटा, देन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट माइनस विल बी एडेड हेयर, एंड हेयर इज ऑलरेडी माइनस माइनस एंड इंटू माइनस व्हाट प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस, लेट्स राइट ई सी दिस जे थ्री विल बी कन्वर्टेड इंटू व्हाट जे माइनस थ्री बीटा, जे माइनस थ्री बीटा, एंड लेट्स राइट दिस कॉस ओमेगा सी टी, कॉस ओमेगा सी टी माइनस थ्री ओमेगा एम टी, ओके दोस्तों। एंड दिस लेट्स राइट यहाँ जो है ये सेम लिख दीजिए, इसका कोई काम नहीं हम लोगों का, देखिए तो इसी व्हाट जे थ्री, इसी जे थ्री बीटा कॉस व्हाट ओमेगा सी टी प्लस व्हाट थ्री ओमेगा एम टी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इतना गेन कर लिए फाइनल एक्सप्रेशन। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हम लोग बहुत अच्छे चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और देखिए इतना हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग इतना गेन किए हैं, तो ये सबको इरेज कर लेते हैं, ये इसका काम नहीं है हम लोगों को। तो देखिए दोस्तों इतना हम लोगों का तो आ गया, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे देखिए दोस्तों,
अब हम लोग इसको फाइनली कंक्लूड कर देते हैं, इसको हम लोग देखिए सारा में ईसी है तो वी लेट्स टेक दिस ईसी एज कॉमन, ठीक है दोस्तों ईसी एज कॉमन। अब एक चीज बोलिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग तो यहाँ जैसे कि 2n 4n 6n 8n बहुत सारा जा रहा था, और देखिए जैसे कि यहाँ माइनस जो देखिए माइनस वन है तो वन भी है, माइनस थ्री है थ्री भी है, माइनस फोर होगा फोर भी होगा, फाइव माइनस फाइव फाइव, माइनस सिक्स दैट इज अप टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस सिक्वेंस और दिस एक्सप्रेशन विल व्हाट एक्सपांडेड इज एक्सपांडिंग, बट वी हैव टेकन ओनली टू टर्म्स फॉर द इजी कैलकुलेशन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे तो कैसे कंक्लूड करेंगे, देखिए इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों, देखिए दैट इज रेट्स प्लस डॉट डॉट मीन्स व्हाट मेनी अदर साइंस व्हिच वेर बिफोर माइनस थ्री, बिफोर माइनस थ्री वी आर राइटिंग व्हाट दैट इज आफ्टर माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, तो ये सारे के लिए माइनस इन्फिनिटी तक के लिए, ठीक है क्योंकि हम लोग तो दो ही टर्म कंक्लूड किए हैं, तो इसमें पहले माइनस वाला लिखिए तो इसी तो कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए जे व्हाट जे माइनस थ्री बीटा हेयर इज व्हाट कॉस जे माइनस थ्री बीटा एंड हेयर इज व्हाट कॉस ओमेगा सी टी माइनस थ्री ओमेगा एम टी, ठीक है दोस्तों दिस इज माइनस थ्री एंड लेट्स राइट। अब जे माइनस थ्री के बाद जे माइनस टू वाला लिखिए, जे माइनस टू वेर इज जे माइनस टू देर इज जे माइनस टू लेट्स राइट दैट देन व्हाट विल बी दैट ई सी जे माइनस टू बीटा एंड व्हाट कॉस ओमेगा सी टी व्हाट माइनस टू ओमेगा एम टी माइनस टू ओमेगा एम टी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब माइनस थ्री माइनस टू लेट्स राइट माइनस वन देन माइनस वन इज वन माइनस वन इज दिस देन दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट एट व्हाट ई सी EC is already written, so don't write EC. EC we have already taken common outside, okay? Then here will be what? Here will be what? J minus 1 beta, J1, J minus, पहले minus वाला लिख दे रहे हैं. तो J minus 1 beta what? cos omega CT what? Minus omega MT, ठीक है दोस्तों? अब देखिए, minus 1 हो गया तो अब क्या आएगा? 0, let's write this now. तो 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? EC what? J0 beta what? कॉस ओमेगा सी इंटू टी कॉस ओमेगा सी इंटू टी, ठीक है दोस्तों। अब इतना हम लोग लिख लिए। अब देखिए अब जे के बाद जीरो के बाद क्या वन वन क्या है वन हम लोगों का कहा है हेयर इज पॉजिटिव वन देन लेट्स राइट दैट यू डोंट राइट ई सी वी हैव ऑलरेडी टेकन कॉमन ओके देन ई सी हम लोगों का लिख लिए तो अब जे वन लिख ले रहे हैं तो जे वन बीटा क्या हो जाएगा जे वन बीटा कॉस ओमेगा सी टी प्लस वाट ओमेगा एम टी लेट्स राइट दिस वी हैव रिटन दिस। अब जे टू भी है तो बहुत आगे तक जाएगा, हम लोग तो सिर्फ माइनस थ्री से थ्री तक लिए हैं, अगर हम लोग सारा लेते उसी लिए यहाँ डॉट डॉट दिया क्योंकि माइनस फोर माइनस फाइव भी तो हो सकता है दोस्तों। सो इसके लिए यही टर्म्स है। अब देखिए जे टू भी एक बचा है जो लिखे हैं वो लिख ले, यहाँ जे टू है हम लोगों का लेट्स राइट दिस देन दिस इज बी वॉट ई सी डोंट राइट ई सी वी हैव देयर विल बी वॉट जे टू बीटा व्हाट कॉस ओमेगा सी टी प्लस व्हाट टू ओमेगा एम टी। तो इसमें कन्फ्यू अच्छे है देखिए दोस्तों यहाँ थ्री है तो हेयर विल बी माइनस टू कॉस ओमेगा सी टी माइनस टू ओमेगा एम टी हेयर विल बी माइनस वन देन हेयर इज माइनस साइन देन माइनस साइन ओके यहाँ वन है तो वन ओमेगा एम टी बहुत ईजी है देखिए अच्छे से देखिए हेयर इज व्हाट जे वन एंड हेयर इज प्लस साइन सो वी राइट प्लस साइन ओके एंड हेयर इज व्हाट जे वन देन हेयर इज व्हाट वन इन टू ओमेगा एम टी विल बी ओमेगा एम टी हेयर इज सी टू टू प्लस देन प्लस हेयर इज टू देन ओमेगा सी टी विल बी रिमेन सेम एंड प्लस टू ओमेगा एम टी दैट्स वेरी इजी थिंग दोस्तों। अब देखिए इसको फाइनली हम लोग और कंक्लूड कर क्या लिख सकते हैं देखिए ये एक्सप्रेशन को हम लोग और कंक्लूड कर कैसे लिख सकते हैं दोस्तों तो ध्यान से देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों देखिए ये इसी तो हम लोगों का कॉमन आ रहा है तो ये इसी को कॉमन लिख लिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं समेशन अब सारा प्लस टर्म में आ रहा है सो समेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बिकॉज हेयर इट विल बी माइनस जे माइनस फोर जे माइनस फाइव हेयर ऑल्सो इट विल बी इंक्रीज अप टू जे इन्फिनिटी सो नो डाउट इज वी कैन राइट द रेंज फ्रॉम व्हाट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑल आर जस्ट एडिशन पार्ट दिस प्लस 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 सो वी कैन राइट समेशन दैट इज समेशन साइन हेयर नो कन्फ्यूजन इज देयर। अब नाउ वी कैन कंक्लूड एज व्हाट वी कैन कंक्लूड लाइक दिस सी कॉस व्हाट हेयर इज कॉस इन एवरी केस देर इज नो डाउट ओके दोस्तों हेयर इज नो डाउट देर इज कॉस इन एवरी केस देन वी कैन राइट व्हाट कॉस एंड वी कैन कंक्लूड लाइक दिस ओमेगा सी टी ओके प्लस व्हाट प्लस ओमेगा सी टी प्लस यन ऑफ ओमेगा एम टी वी कैन कंक्लूड दिस लाइक दिस
See, finally we can conclude like this, that is EC is coming in every part. Then we wrote EC minus infinity, because देखिए यहाँ अगर हम लोग minus one लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, minus one, ये same बढ़ते जाएगा. अब हम लोग देखिए यहाँ हम लोगों को minus three to three easy calculation के लिए put कीजिए minus three to three, then we will get the same expression. We will get this the same expression. ठीक है, that is यहाँ अगर हम लोग minus three से three लेंगे तो minus three रखिए यहाँ एक बार हो जाएगा, minus three रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, minus three cos minus three omega mt. देखिए ये same expression we will get here, so no doubt is there. Finally we can conclude all this expression with this expression. ठीक है दोस्तों, और इसको भी हम लोग एक अच्छा concept के साथ अगर जाएंगे तो देखिए हम लोग कैसे क्या लिख सकते हैं इसको भी. ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ अच्छे तरीके से देखिए. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, फाइनली देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसी का इसी लिख देते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ लेट्स कंसीडर ओनली व्हाट पॉजिटिव साइड बैंड, खाली पॉजिटिव. जैसे कि देखिए यहाँ ऐसे आएगा हम लोगों का स्पेक्ट्रल, जब स्पेक्ट्रम ऑफ एफ एम बनाएंगे तो ऐसे लेट्स, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, माइनस वन वन है तो वन टू थ्री ऐसे वैल्यू लेने के लिए लेट्स राइट हेयर फ्रॉम व्हाट यन इज इक्वल टू व्हाट जीरो टू इन्फिनिटी, लेट्स लाइक दिस यन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी. तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा सी टी व्हाट हेयर लेट्स लाइक प्लस माइनस, ओके प्लस माइनस व्हाट प्लस माइनस यन ओमेगा यम टी, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों. ये कंडीशन को देखिए, अब देखिए दोस्तों ये हम लोग ये कंडीशन को ऐसे भी लिख दिए, मतलब ये प्लस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए दोस्तों एक प्लस एक पॉजिटिव साइड बैंड तो एक निगेटिव, बिकॉज वी हैव ऑलवेज व्हाट फर्स्ट पेयर ऑफ साइड बैंड सेकंड पेयर ऑफ साइड बैंड, देन इफ वी राइट दिस प्लस कॉस ओमेगा सी टी प्लस लेट्स कीप दिस वैल्यू ऑफ यन एज वन, अगर ये वैल्यू ऑफ यन यन इज इक्वल टू हम लोग अगर वन रखेंगे, ठीक है दोस्तों यन इज इक्वल टू वन, तो यहाँ दो केस आएगा, यन इज इक्वल टू वन रखेंगे तो एक आएगा व्हाट ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम टी, एंड अनदर विल बी ई सी कॉस ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा एम टी. ठीक है, तो प्लस वाला क्या हुआ पॉजिटिव की तरफ, ये वाला क्या हुआ निगेटिव साइड बैंड, देन दैट पॉजिटिव एंड निगेटिव साइड बैंड विल फॉर्म व्हाट फर्स्ट पेयर ऑफ व्हाट साइड बैंड फर्स्ट पेयर ऑफ साइड बैंड. तो ये कंसेप्ट के लिए हम लोग ये इजीनियस तरीका से यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए. ठीक है दोस्तों, ये अच्छे तरीके से आप लोग समझेंगे. देखिए यहाँ अब हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, लेट्स ड्रॉ द स्पेक्ट्रम डायग्राम. इतना हो गया तो हम लोग इजिली, अब हम लोग देखिए दोस्तों एक चीज तो हम लोग भूल गए दोस्तों, यहाँ देखिए एक चीज बड़ा चीज हम लोग क्या भूल गए दोस्तों, सारा में तो आ रहा है. देखिए अगर हम लोग माइनस वन ले रहे हैं तो जे माइनस वन बीटा आ रहा है ना, जे वन बीटा जे माइनस टू बीटा जे टू बीटा वो तो आ रहा है. तो देखिए दोस्तों यहाँ तो हम लोग भूल गए एक चीज, ये सारा में क्या है जे एन बीटा, देखिए ये सारा में क्या है जे एन बीटा, यहाँ बीटा है दोस्तों, दिस इज बीटा, ओके देखिए तो ये सारा में क्या है जे एन बीटा, जो एन का वैल्यू होगा यहाँ पुट करेंगे, देन हेयर विल बी व्हाट जे एन बीटा, सो डोंट बी कन्फ्यूज. यहाँ हम लोग एक चीज भूल गए, देखिए यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या, देखिए इसको हम लोग अच्छे से लिख देता हूँ, जे एन इज इक्वल टू व्हाट जीरो टू इन्फिनिटी एंड हेयर इज अदर देन जे एन बीटा, क्योंकि हम लोगों का जे एन बीटा तो आ रहा था सारा में, क्योंकि जीरो हो रहा था जो जीरो जे जीरो बीटा जे माइनस वन बीटा जे वन बीटा जे माइनस टू बीटा जे टू बीटा जे माइनस थ्री बीटा जे थ्री बीटा सारा में आ रहा था दोस्तों. तो उसी के लिए ये जो जे एन मतलब एन का वैल्यू जैसे जैसे जाएगा एक टर्म्स ऐसे बढ़ेगा. ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा. अब देखिए इसका स्पेक्ट्रल डायग्राम बनाएंगे, that is how to draw. Finally we have calculated all the things. अब हम लोग diagrammatically ये mathematical expression को represent करेंगे, that how can we draw the spectrum of what frequency modulation. तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ बोलता हूँ, देखिए दोस्तों एक बात बोलिए मुझे दोस्तों, कि यहाँ जो ec पहले हम लोग मानिए यहाँ यन इजकल टू जीरो के लिए हम लोग ले रहे हैं, मानिए यन इजकल टू जीरो के लिए, देन व्हाट वी विल गेट. देखिए ये तो एम्पलीट्यूड पार्ट है, दैट इज हम लोग क्या गेट करेंगे, देखिए पहले यन इजकल टू जीरो पुट कर देंगे तो हम लोग क्या गेट करेंगे, ec जे जीरो बीटा, ओके दोस्तों जे जीरो बीटा, एंड हेयर विल बी व्हाट जे जीरो, देन वी विल गेट व्हाट कॉस ओमेगा सी टी. ठीक है, ये हम लोग गेन करेंगे. तो एक बात बोलिए दोस्तों, ये एक्सप्रेशन दिस इज द व्हाट डीसी द एक्सप्रेस, ये हम लोगों को कैरियर सिग्नल का आ रहा है, बिकॉज हेयर इज व्हाट ओनली पर द प्रेजेंस ऑफ कैरियर सिग्नल कॉस ओमेगा सी टी. तो इसका देखिए ये हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इसका ये एक्सप्रेशन का कॉफिशियंट क्या है, दैट इज एम्पलीट्यूड क्या है. तो ये एम्पलीट्यूड क्या है, देखिए दोस्तों ये मेजर एम्पलीट्यूड ये हो गया, दिस इज द एम्पलीट्यूड पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ओके. तो हम लोग जा रहे हैं फाइनली स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन बनाने, दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम. ध्यान से देखिए, तो ये देखिए ये हम लोगों का मेन हो गया, मेन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, ई सी जे जीरो बीटा, बिकॉज वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट वी आर स्टार्टिंग द वैल्यू फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, तो लेट्स टेक द फर्स्ट जीरो, तो स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड विल बी व्हाट ई सी जे जीरो बीटा. तो हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं, देखिए दोस्तों ध्यान से. ठीक है, तो हम लोग एक बना स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम बनाने जा रहे हैं,
तो देखिए दोस्तों, हम लोग मानिए ऐसे दे दिए, ठीक है। अब देखिए, एक तो मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग ये है, तो ये स्टार्टिंग हम लोग बना ले रहे हैं। देखिए ये स्टार्टिंग हम लोग बना ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। ये हम लोग स्टार्टिंग यहाँ हम लोग बना ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग सीधा बनाइएगा, ये स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। और देखिए इसका वैल्यू क्या है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस, दैट इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड, इज दिस दैट इज मेजर एम्पलीट्यूड, दैट इज द मेन एम्पलीट्यूड, देन व्हाट इज द वैल्यू, ई सी जे जीरो बीटा। लेट्स कीप इन दिस व्हाट एब्सोल्यूट साइन, बिकॉज हियर वी विल नॉट गेट द निगेटिव वैल्यू, बट इन अदर सेंस वी विल गेट द निगेटिव वैल्यू, हम लोगों को मालूम है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब ये हो गया, ये तो मेजर हो गया ये एम्पलीट्यूड। अब देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट पेयर ऑफ साइड बैंड के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, अब हम लोग यन इजकल टू वन कर दीजिए, ठीक है। पुट द वैल्यू यन इजकल टू वन हेयर, तो इसमें से करेंगे तो क्या आएगा, देखिए दोस्तों, ई सी एक आ जाएगा, ई सी, तो ई सी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और एक एक क्या आ जाएगा, जे यन बीटा, तो मतलब क्या हो जाएगा, देखिए जे एन वी आर कीपिंग वन, देन दैट विल बी व्हाट, जे वन बीटा, देन जे वन बीटा दिस विल बी व्हाट, कॉस ओमेगा सी टी, ओमेगा सी टी प्लस माइनस व्हाट वन, मतलब ओमेगा एम टी, ठीक है। ये आ रहा है फाइनली, जब हम लोग यन इजकल टू वन पुट कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, यन इजकल टू जब वन पुट करेंगे तो ये आ रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड वी आर गेटिंग दिस, वी आर गेटिंग द एम्पलीट्यूड लाइक दिस, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है दोस्तों। आप देखिए यहाँ प्लस माइनस है, मतलब प्लस वी विल कीप द साइड बैंड ऑफ पॉजिटिव साइड बैंड हेयर एंड निगेटिव साइड बैंड हेयर, सो डोंट बी कन्फ्यूज दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ऐसे करेंगे, देखिए दिस इज द व्हाट फाइनली कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये तो क्या है, कैरियर मतलब कैरियर सिग्नल, देन हेयर दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल एज वी आर प्लॉटिंग दिस एम्पलीट्यूड हेयर, सो डोंट बी कन्फ्यूज, ओके। अब ये है फर्स्ट पेयर ऑफ साइड बैंड, फर्स्ट पेयर क्यों बोल रहे हैं, देखिए एक पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव फर्स्ट पॉजिटिव पेयर ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव साइड बैंड एंड फर्स्ट निगेटिव साइड बैंड, देन बोथ फर्स्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव विल बी कंसिडर्ड एट व्हाट, फर्स्ट पेयर ऑफ साइड बैंड। तो देखिए यहां प्लस अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा, प्लस लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, तो देन द एम्पलीट्यूड विल बी व्हाट, ईसी जे वन बीटा, तो मानिए फर्स्ट हम लोगों का आ रहा है ऐसा, देखिए ये हम लोगों का आ जा रहा है, ठीक है। मानिए इसका क्या है, ईसी जे वन बीटा, द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इज ई सी जे वन बीटा, देन वी आर राइटिंग हेयर ई सी जे वन बीटा। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, अब इसका निगेटिव भी बनाएंगे, देखिए उसी लिए एम्पलीट्यूड दे रहे हैं, यहाँ तो हम लोग ई सी जे माइनस वन बीटा लिखेंगे तो यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, दैट इज वी नो जे जे वन बीटा को अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस जे माइनस वन बीटा, तो ये एम्पलीट्यूड तो माइनस में नहीं लिख सकते, उसी के लिए ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग एम्पलीट्यूड साइन यहाँ एब्सोल्यूट साइन दे रहा है, जाकि ये माइनस प्लस हो जाएगा बाद में जाके, ठीक है। सो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो देखिए यहाँ हम लोग सेम डिस्टेंस में यहाँ लिख देते हैं, दिस विल बी ऑफ सेम हाइट, सेम एम्पलीट्यूड, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव साइड बैंड, दिस इज पॉजिटिव, बट दिस इज सेम पेयर, दैट इज फर्स्ट पेयर ऑफ साइड बैंड, दिस इज ऑन पॉजिटिव साइड, दिस इज ऑन निगेटिव साइड, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए हेयर विल बी द सेम एम्पलीट्यूड ई सी व्हाट जे वन बीटा, इसी का कॉपी है, ये पॉजिटिव साइड में, ये निगेटिव साइड में, ठीक है दोस्तों। तो डॉट बी कन्फ्यूज, ये दोनों के बीच का बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, हम लोग ऑलरेडी कार्सन्स फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं, तो द बैंडविड्थ विल बी व्हाट, टू ऑफ एफ एम, टू ऑफ एफ एम, दिस विल एफ एम, ओके दोस्तों, टू ऑफ एफ एम, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर हम लोग टू के लिए फिर ये समझ रहे हैं ना दोस्तों, एब्सोल्यूट साइन हम लोग क्यों दे रहे हैं, नो डाउट हेयर, क्योंकि ये तो निगेटिव साइड में है, तो ये ई सी जे माइनस वन, यहाँ हम लोग माइनस लिख रहे हैं, प्लस माइनस यहाँ प्लस माइनस साइन दे रहे हैं, तो ये क्या है, जे वन बीटा, तो ये जे माइनस वन बीटा हो जाएगा, उसी के लिए ये निगेटिव साइड है, तो एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव होगा ना, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग एब्सोल्यूट साइन दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वी हैव डिराइव फ्रॉम हेयर। अब देखिए, व्हेन वी विल कीप द वैल्यू ऑफ एन इजकल टू टू, देन वी विल गेट व्हाट, एन इजकल टू टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जे टू बीटा, तो जे टू बीटा, तो देखिए अब फिर इसका ऐसे हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसका कैसे हो जाएगा डायग्राम, इसका हो जाएगा ये एम्पलीट्यूड, देखिए जैसे 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 यन का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि एम्पलीट्यूड घटते जाएगा, तो अब जे टू बीटा का क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ जे टू बीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द एम्पलीट्यूड विल बी लाइक दिस, ई सी व्हाट जे टू बीटा, द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस विल बी व्हाट ई सी। अब देखिए ये क्या है, ये है हम लोगों का क्या, देखिए ये हम लोगों का पी सी एफ सी प्लस व्हाट एफ एम, एंड दिस इज व्हाट, दिस पॉइंट इज व्हाट, नॉट अदर देन व्हाट एफ सी माइनस एफ एम, सो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है दोस्तों। एंड व्हेन वी विल एड दिस व्हाट वी विल गेट व्हाट टू एफ एम, दैट इज द बैंडविड्थ बिटवीन द दिस टू पेयर ऑफ साइड बैंड। अब देखिए, अब ये यहाँ ये सेम साइड का क्या, सेम साइज का क्या हो जाएगा, देखिए ये सेम साइज का हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का ये सेम एम्पलीट्यूड, दिस इज ऑन द पॉजिटिव साइड, दिस ऑन द निगेटिव साइड, देन दिस विल बी व्हाट ई सी जे टू बीटा,
इस इज ए टू बीटा, ठीक है दोस्तों, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। तो देखिए दोस्तों ये हम लोगों का ऐसे मतलब दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द ईएफएम। एंड एक चीज हम लोग अच्छे से देखिए दोस्तों, ये जैसे जैसे यन के वैल्यू बढ़ते जा रहा है एम्पलीट्यूड बढ़, सबसे अच्छा चीज क्या है दोस्तों देखिए, एज द वैल्यू ऑफ यन इंक्रीजेज, एज द वैल्यू ऑफ यन इंक्रीजेज द बेसल्स कोफिशियंट डिक्रीजेज, ओके द बेसल्स कोफिशियंट डिक्रीजेज, एंड एज द बेसल कोफिशियंट डिक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड डिक्रीजेज, ओके द एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड व्हाट डिक्रीजेज, ठीक है, मतलब एज द वैल्यू ऑफ यन इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ बेसल कोफिशियंट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, दैट इज देखिए यन वैल्यू इंक्रीजिंग मतलब वैल्यू ऑफ बेसल कोफिशियंट डिक्रीजिंग, एंड एज द वैल्यू ऑफ बेसल कोफिशियंट इज डिक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, ठीक है दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए दोस्तों तो हम लोग फाइनली ये ऐसे गेन कर लिए, मतलब ये एम्पलीट्यूड बना लिया, दिस इज द व्हाट, दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ साइड बैंड एंड दिस टू रिप्रेजेंट व्हाट द सेकंड पेयर ऑफ साइड बैंड, तो डोंट बी कंफ्यूज दोस्तों प्लीज, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड मतलब सेकेंड पेयर ऑफ साइड बैंड, दिस इज ऑन द पॉजिटिव साइड एंड दिस विल बी दिस इज ऑन द नेगेटिव साइड, ओके। देन देखिए ये जो हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम बना रहे हैं, दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ, एक्चुअली हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं, एफएम इज अप टू टाइम्स, दैट इज वाइड बैंड एफएम, वाइड बैंड एफएम एंड नैरो बैंड एफएम, देन दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ दोस्तों, दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ नॉट अदर देन वाइड बैंड एफएम, ओके, दिस इज द स्पेक्ट्रम व्हिच वी आर ड्रॉइंग इज ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइड बैंड एफएम, ठीक है दोस्तों, ये वाइड बैंड एफएम का स्पेक्ट्रम हम लोग बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये कंसेप्ट अच्छे से याद करिएगा, क्यों ये एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड घटते जा रहा है, क्योंकि यन का वैल्यू बढ़ेगा बेसल कोफिशियंट घटेगा, जैसे जैसे बेसल कोफिशियंट घटेगा एम्पलीट्यूड घटेगा, ठीक है दोस्तों, तो ये कंसेप्ट, एंड फाइनली वी हैव ड्रॉन द स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम, दिस इज द रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एज वी आर स्टडिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वी मस्ट हैव टू नो दैट हाउ कैन वी ड्रॉ द स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम, ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, यहाँ कोई दिक्कत हो नहीं सकता, अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस टॉपिक के रिलेटेड देन प्लीज गो इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज गिव द कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू जस्ट डिलीट योर कन्फ्यूजन, ओके दोस्तों, तो हम लोग आज का वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे के वीडियोज में हम लोग नया कॉन्सेप्ट के साथ जरूर उपस्थित होंगे, ठीक है दोस्तों, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, फर्स्ट में आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से एक एक टर्म्स लिखते जाइए, देयर विल नॉट बी एनी कन्फ्यूजन, ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।